ये हैं कपूर सिंह कर्नाटक। ये शक्ति का नाटक भी फिरता रहता है, कहते हैं आदि सतयुग, नए घर से पुराना होता है। शास्त्रों का भी चार भाग दिखाया हुआ है, शास्त्रों में भक्ति कल, अब तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम्हारी चढ़ती कला के बहाने सर्व का भला होता है। चढ़ती कला की निशानी क्या होगी? जिसकी जिसकी चढ़ती कला होगी वो सर्व का भला जरूर करेगा, अपना भी भला करेगा और दूसरों का भी भला करेगा। अगर चढ़ती कला नहीं है तो खुद भी ज्ञान की बातों को नहीं समझेगा और दूसरों को भी नहीं सुनाएगा समझाएगा। खुद भी बाप का परिचय उसकी बुद्धि में नहीं बैठा होगा और दूसरों को भी बाप का परिचय नहीं देगा। कभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट तत्व प्रधान बन जाते हैं। जब चढ़ती कला बनती है तत्व प्रधान बन जाती, परमपिता परमात्मा व ईश्वर से कहने से वो रस नहीं मिलता है, बाबा कहने से वर्ष की खुशबू आती है। तुम्हें तो खुशबू आएगी कि हम बाबा के बच्चे हैं, यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं लेकिन तुमको खास खुशबू कैसे आएगी? ऐसे तो 500 करोड़ परमात्मा पाप के बच्चे हैं, तुमको खास खुशबू कैसे आएगी? वो तो तब ही आएगी जब किसी मनुष्य तन में प्रैक्टिकल में इन आंखों से बुद्धि के द्वारा समझ लेंगे इस तन में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है और ये बाप हमको मिल चुका है, तब वो खुशबू आएगी। तब कहेंगे, दिल कहेगा तुम माता पिता हम बालक थे, तो सभी आत्माएं बच्ची हैं परंतु बाप ने अभी ये नई रचना रखी है। कहते हैं पति तो पावन आओ, मैं कहती हूं पति तो पावन आओ ये नहीं कहते हैं कि पति तो पावन आकर के ज्ञान सुनाओ, इसलिए बुलाते हैं, टाइटल देते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। आने का मकसद क्या हुआ? ज्ञान सुनाना, ज्ञान सुना भी चला जाएगा नहीं, वो आता ही है पतितों को पावन बनाने के लिए, तो जरूर संगम पर ही आकर के पतितों को पावन बनाएंगे। ऐसे नहीं सती को मिलाएंगे, संगम युग मना कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, दोनों का मेल होना चाहिए। कलयुग का अंत भी करेंगे और सतयुग की आदि भी करेंगे। गाते भी हैं पति तो पावन सीताराम, ये भी गाते रहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले सीता और राम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पति तो पावन, कौन कहेंगे? ये तो पतित दुनिया की बात है, पतित पावन को बुलाने की, क्योंकि वो पावन है। साधु संत सब गाते रहते हैं, गांधी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो, हाथ में उठाते थे गीता और मुंह से गाते थे पतित पावन सीताराम। दो बातें हो गई, गीता में लिखा हुआ गीता का भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान वाक्य लिख दिया, और पतितों को पावन बनाने वाले किसको कहते? सीताराम को। तो दो बात तो, क्योंकि जानते हैं कि गीता से ही मार्ग विनाश हुआ, गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता माता, सब शास्त्रों में शिरोमणि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र, शास्त्र मन
शासन करने वाला ग्रंथ। अच्छा, माता का पति कौन है? गीता माता कहा जाता है तो कोई जड़ पुस्तक को माता कहेंगे क्या? कागज के पत्तों का नाम माता है क्या? माता तो स्त्री रूप में होनी चाहिए, तो माता का पति कौन हुआ? जरूर गीता, गीता माता का पति, गीता पति भगवान हुआ। बोल, पतितों को पावन बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला वो है जो गीता माता का पति है। तो कब हुई गीता? कब हुआ गीता पति भगवान? जन्म में यज्ञ के आदि में ही वो गीता पति भगवान और गीता माता प्रत्यक्ष हुई थी। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले को गीता माता कहेंगे? दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा होती है? गीता माता की तो पूजा होती है। वो तो है सर्व शास्त्र में शिरोमणि, सब की माता, जगत की माता, सारे जगत की मां माने जगदम्बा की पूजा होती है। ब्रह्मा के पुरुष चोले की पूजा नहीं होती है, क्योंकि वो माता तो है, माता का पार्ट तो बजाया उस तन के द्वारा, लेकिन पुरुष तन था, इसलिए पुरुष तन की पूजा नहीं हो सकती माता के रूप में। वंदे मातरम नहीं गाया जा सकता, क्योंकि मुरली बोला जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन। पुरुष और स्त्री चोले में ज्यादा फर्क है। पवित्रता के प्रति विशेष आकर्षण किससे होता है ज्यादा? माता में, भारत की कन्या माताओं में जितना पवित्रता के प्रति विशेष ध्यान है उतना और किसी में उस नहीं होता, विदेशी कन्या माताओं में नहीं होता, भारतीय पुरुषों में उतना नहीं होता। तो वो पति तुमको पावन बनाने वाला भगवान है जो गीता का भगवान है, गीता का पति है, गीता की रक्षा करने वाला है। गीता माता है ना, ज्ञान के गीत को ही गीता का है। गीत माना महिमा, भगवान ने आकर किसकी महिमा गाई? पुरुषों की महिमा गाई, किसकी महिमा गाई? माताओं की महिमा गाई। माताओं की माता कौन? जगदम्बा, गीता माता। तो गीता माता को पाति अर्थात पति बनकर के रहता है, उसकी रक्षा करता है, गीता ज्ञान की रक्षा करता है, और कोई गीता ज्ञान की रक्षा नहीं कर सकता। और तो समझते हैं कि ईंटों के मकान बना दो तो वो ही रुद्र यज्ञ हो गया। ईंटों के मकान को कोई रुद्र यज्ञ कहते हैं क्या? यज्ञ किसे कहा जाता है? ज्ञान को ही यज्ञ कहा जाए। रक्षा किसकी करनी है? ज्ञान यज्ञ की रक्षा करनी है। ज्ञान मन जानकारी, जानना माना ज्ञान, पहचान किसकी पहचान? पहले माता की पहचान या पहले पिता की पहचान? माता पिता दोनों की पहचान। बच्चा पैदा होता है तो ये थोड़े कहेंगे कि माँ पहले की बात पहले, पैदा करने की जब एक्टिविटी हुई तो माँ हुई पहले की बाप हुआ पहले की, दोनों हुए, दोनों के बगैर बच्चे की पैदाइश हो सकती है? बीजारोपण जब होता है तो दोनों चाहिए या एक चाहिए? दोनों चाहिए। तो माँ पिता दोनों चाहिए। सृष्टि के आदि में भी, इस यज्ञ के आदि में भी ज्ञान का बीजारोपण जब परमात्मा बाप ने किसी तन में प्रवेश करके किया तो माता भी थी, माता का चोला भी मौजूद था, जिसके लिए मुरली में बोला है कि ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी।
तो मम्मा बाबा जैसी श्रेष्ठ हस्तियों को ही ऊपर भी कंट्रोल चलाने वाली आत्माएं कितनी पावरफुल होंगी। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे किन हैदराबाद में, साक्षात्कार तो बहुत से ऋषि महर्षियों के हुए, सूरदास को, तुलसीदास को, मीरा को हुए, क्या उन्हें भगवान उन्हें प्रवेश कर गया? साक्षात्कार होने से ये साबित होता है क्या कि भगवान प्रवेश कर गया? नहीं, भगवान प्रवेश करना अलग बात और साक्षात्कार होना अलग बात। तो ब्रह्मा को समझ में नहीं आया साक्षात्कारों का रहे, गुरु से पूछा मना कर दिया, बाहर में गए विद्वान आचार्यों से पूछा वो समझ में नहीं आया। तब अंत में कलकत्ते में पुरानी गद्दी जहाँ उनकी थी भागीदार, अपने प्रैक्टिकल जीवन में जिसको उन्होंने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति समझा, साक्षी समझा, उस व्यक्ति के पास पहुंचे। सीधे नहीं, पहले माता बीच में आई, जरूर उस गीता माता से उस कृष्ण भक्ति का कनेक्शन होगा, यानी कृष्ण की सोल का उस माता से विशेष कनेक्शन होगा, तो वो माता माना ब्रह्मा की सोल जिसने माता के रूप में पार्ट बजाया, वो ब्रह्मा की भी माता कौन हुई? जगदम्बा, उसके पास पहुंची और उसके थ्रू सारे साक्षात्कारों की बातों को सुनाया। तो सुनने सुनाने का कार्य करना माना भक्ति मार्ग का फाउंडेशन, इसके द्वारा कर गया माता जी थी। माता ने भक्ति मार्ग के साक्षात्कारों की बात को सुनाया और सुना किसने? प्रजापिता ने, बाबा का जो भागीदार था उसने सुना, और जैसे ही सुना उसी समय परमात्मा शिव ने दोनों में प्रवेश किया, माता में भी प्रवेश किया जो सुनाने वाली थी, और पिता में भी प्रवेश किया जो सुनकर के समझाने वाला निमित्त बना। ज्ञान किसे कहा जाता है? सुनने सुनाने को ज्ञान कहा जाता है या समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है? समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान का बीज रोपण हुआ बाप के द्वारा, और सुनने सुनाने का फाउंडेशन हुआ माता रूपी भक्ति के द्वारा। सीता माता सब सुन सब सीताएं हो, राम बाप है एक परमात्मा बाप ज्ञान का बीज रोपण करने के लिए बाप के रूप में प्रकट हुआ प्रजापिता के थ्रू। लेकिन प्रजापिता ने किससे सुना? वही आदि माता। तो प्रजापिता भी ब्राह्मण हुआ ना, ब्रह्मा की संतान हुआ ना, क्योंकि मुख से किससे सुना? ब्रह्मा माता के मुख से सुना, तो वो भी ब्रह्मा की संतान कहा गया आदि पिता। तो आदि माता का गायन है, आदि पिता का गायन है, ये मात पिता बहुत नामी जानी है। 43 पेज पर 87 का पैसे का दूसरे पेज का भगवान वाच कृष्ण को पति तो पावन नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है, माना बच्चा बुद्धि है, कृष्ण की सोल ज्ञान की एडवांस बातों को नहीं समझ सकती क्योंकि बच्चा बुद्धि है, गहरी बातों को नहीं समझ सकती न समझा सकती है। परमात्मा बाप शिव ही प्रवेश करते हैं दोबारा, कोई ब्राह्मण बच्चे नहीं, और फिर उन बातों की रहस्य को समझाते हैं जो बातें ब्रह्मा के मुख से बोली गई। टीचर बनकर के बाप आता है, पहले बाप फिर टीचर और फिर लास्ट में सदगुरु का रूप। तो कृष्ण को भगवान वाचे नहीं कहेंगे, माना कृष्ण के स्वरूप से, कृष्ण वाली आत्मा के अंतिम जन्म से जो परमात्मा शिव ने पार्ट प्ले किया, माता के रूप में पार्ट बजाया, प्यार दिया, जन्म दिया बच्चों को, वो कोई परमात्मा पार्ट नहीं है, उसे कोई भगवान नहीं कहेंगे, वो गीतापति भगवान नहीं है, वो बच्चा है या पति है गीता माता का, तो बच्चा हुआ कृष्ण बच्चा।
पहले चाहिए परमात्मा बाप शिव साकार में, प्रैक्टिकल में। फिर चाहिए माता बन्नी। परमात्मा बाप आते हैं तो पहले ब्रह्मा को अपनी बन्नी बनाते हैं। माता चाहिए, फिर माता से किसका जन्म होता है? कृष्ण बच्चे। तो कृष्ण बच्चा अर्थात दादा लेखराज को अपने स्वरूप का बोध हुआ, अपने साक्षात्कारों का रहस्य सुनकर कि मैं आत्मा कृष्ण की आत्मा हूँ, मुझे ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाना है, प्यार देना है बच्चों को, जन्म देना है, पालना करनी है। बाकी मनुष्य तो कब पति के पाप नहीं बना सकते। ब्रह्मा मनुष्य हुआ या देवता हुआ? दाढ़ी मूंछ वाला मनुष्य होता है या देवता होता है? क्या होता है? मनुष्य होता है।